कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। महान समाजसेवी, समाज सुधारक, शिक्षाविद और दार्शनिक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की आज जयंती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हम सभी ने बचपन में पढ़ा है। देश के तकरीबन सभी प्राइमरी स्कूलों के पाठ्यक्रम में उनके बारे में बताया जाता है। इसका मकसद यह है कि बच्चे उनके आदर्शों के बारे में जान सके। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तत्कालीन सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी। बाल विवाह, महिलाओं के शिक्षा के अधिकार, विधवा पुनर्विवाह कानून को पास कराने में उनका योगदान अतुलनीय है। आज उनकी जयंती पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। 26 सितंबर 1820 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे ईश्वर चंद्र विद्यासागर आगे चलकर एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक और स्वाधीनता सेनानी के तौर पर मशहूर हुए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कहानी तूफानी तरंगों के बीच साधना के किसे अविचल, अविनाशी जलधि की तरह है। वे जिन दिनों बंगाल में नवजागरण का परचम लहरा रहे थे, उन दिनों यथास्थिति में यकीन रखने वाले कुछ शक्तिशाली लोग उन्हें हतोत्साहित करने में लगे हुए थे। सती प्रथा, बाल विवाह, महिला उत्पीड़न आदि का विरोध तथा स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह आदि का जोरदार प्रचार कर उन्होंने तत्कालीन बुजुर्गवा ताकतों को अपना शत्रु बना लिया था। इन संगठित लोगों ने कुछ ऐसा कुचक्र रचा कि कुछ समय के लिए विद्यासागर का मन संतप्त हो उठा। उन्हें यह देखकर और बुरा लगा कि उन्हें सुधारात्मक अभियान में शामिल कुछ अंग्रेज भले मानुस भी प्रतिक्रियावादी तत्वों की बातों में आ गए हैं। ऐसी बदली फिजा में अपने लक्ष्य पर नए सिरे से विचार करना उन्हें आवश्यक प्रतीत हुआ। इस प्रसंग में उन्होंने कुछ समय के लिए बंगाल की धरती को छोड़ने का मन बना लिया। मानसिक शांति और नए संदर्भ की तलाश में वे सन 1973 में संथाल प्रगना के कर्माटांड आ गए। उनके पास सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्ति का धन था ही, मेहनत की इस कमाई से उन्होंने 12 बीघा जमीन खरीद ली। उन दिनों कर्माटांड एक प्राकृतिक उपवन की तरह था। साल पत्रों और पलाश के फूलों से टहटहाते वन, सुवासित मंजरियों से लदे आम के वृक्ष, हवा की थपकियों से झूमते बांसों के झुरमुट और इन सब के बीच मंथर गति से बहती पठारी जोरिया। विद्यासागर ने इस शांत और सौम्य भूमि पर पसरी गरीबी को अनुभूत कर लिया, यहाँ का पिछड़ापन देख लिया। इस क्रम में उन्होंने अपनी जमीन पर नंदन कानन की स्थापना की। अभाव और अभियोग में जीने वाले यहाँ के श्रमजीवी संथाल और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता से समाज सेवा काम शुरू कर दिया। स्त्री शिक्षा पर उनका विशेष जोर था, इसलिए नंदन कानन में उन्होंने कन्या पाठशाला, बुजुर्गों के लिए रात्रि पाठशाला और गरीबों के उपचार के लिए निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना की। संस्कृत कॉलेज की सेवानिवृत्ति से प्राप्त निधि का काफी हिस्सा उन्होंने यहाँ लगा दिया, बिना होठों की मुस्कान खोए। विद्यासागर मानसिक परिश्रम के साथ शारीरिक श्रम को भी बहुत महत्व देते थे। यहाँ के बाग बगीचों में खुद पसीना बहाया करते थे। यहाँ के लोगों को आहार पोखर खुदवाने में मदद करते थे। पारंपरिक ज्ञान के साथ कई नई तकनीक से कृषि और वानिकी करने की शिक्षा देते। उन दिनों भी कई कुलीन पटना और कलकत्ता की ओर से कर्माटांड स्टेशन पर उतरने के बाद कूली की तलाश में रहते थे। विद्यासागर ऐसे लोगों को थोड़े से सामान को ढोने में ही परेशान देखते तो अत्यंत नम्रता से उनका सामान अपने सिर पर उठाकर स्टेशन से बाहर पहुंचा देते। अकिंचन कूली जानकर साहबी रौब से मजदूरी देने लगते तब विद्यासागर उन्हें सादगी के साथ अपना परिचय देते। उनका सहाबी रौब तुरंत काफुर हो जाता और उनके अंदर से एक ग्लानी भाव झलकने लगता। बिना कुछ कहे वे शरीर श्रम के प्रतिष्ठा को पूरी आंतरिकता से समझ जाते। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मानना था कि देश में बाल साहित्य पर पर्याप्त काम नहीं हुआ है, इसलिए वे बच्चों के लिए लिखना पसंद करते थे। बच्चों के आरंभिक ज्ञान के लिए बांग्ला की मशहूर पुस्तक वर्ण परिचय उन्हीं की कृति है। विद्यासागर स्थानीय ग्रामीणों की सेहत के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उनका मानना था कि ग्रामीणों के तन और धन के लिहाज से महंगी एलोपैथिक दवाएं मुफीद नहीं हैं। वे आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ होम्योपैथी की दवाइयों का अधिक उपयुक्त मानते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सन 1991 तक यानी मृत्यु पर्यंत अपने को कर्माटांड की साधना भूमि पर केंद्रित रखा। आज जब वे सशरीर हमारे बीच नहीं है, उनके अधूरे कामों को नए संदर्भ में शुरू कर राज और समाज द्वारा उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है।